हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे आर्टिकल प्रकाशित की गई है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। एनएमसी की परीक्षा के अंक को यहाँ पे मान्यता अब दिया जाएगा। अब देखिए एनएमसी है क्या, तो जितने भी फॉरेन जो भी डिग्री होती है एमबीबीएस की मान लो, और जो बीडीएस की, तो जितने भी एमबीबीएस छात्र हैं जो विदेश से पढ़ाई करके आते हैं यहाँ पे, और उनका मार्क्स को पहले जो है कि अब काउंट जो किया जाता था ओनली 50% ही अंक को यहाँ पे काउंट किया जाता था। बिहार में जो भी बिहार में वैकेंसी निकल के आती है अब उसको पूर्ण मान्यता अब यहाँ पे दिया जाएगा। अब जितने भी एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें फॉरेन से यानी कि जो विदेश से पढ़ाई करने के बाद जो यहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसमें जितने मार्क्स यहाँ पे गेन करेंगे वही मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पे जॉब में जो गवर्नमेंट जॉब बिहार सरकार की निकल के आती है उसमें काउंट किया जाएगा। तो देखते हैं विस्तार से यहाँ पे चर्चा, शॉर्ट में तो आप लोग यहाँ पे समझ ही लिए। देखिए बिहार जो मंत्री मंडल में बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त में यहाँ पे नियमावली 2021 के गठन को मंजूरी दे दी है, और नियमावली के प्रभावी होने पर विदेश से पढ़कर आने वाले एमबीबीएस छात्रों को नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी द्वारा ली गई परीक्षा में प्राप्त अंक के प्रतिशत को ही यहाँ पे मान्य मानकर नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। तो बहुत बड़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी आर्टिकल है। जो भी कैंडिडेट फॉरेन से डिग्री लेकर आते हैं एमबीबीएस की, एनएमसी में किसी विदेशी डिग्रीधारी छात्र को 50% अंक मिलते हैं तो 50% अंक मिलते हैं तो उतने ही अंक राज्य में मान्य होंगे। पहले क्या था कि पूर्व में विदेश से एमबीबीएस पास कर बिहार लौटने वाले डॉक्टरों को विदेशी विश्वविद्यालय, अब जो भी वहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा जो वहाँ पे परसेंटेज निकलते थे उसका 50% यहाँ पे काउंट किया जाता था। जैसे किसी छात्र को 80% नंबर मिले तो बिहार में उन्हें 40 नंबर माना जाता था। तो ये बहुत ही अच्छी आर्टिकल है कि जो अपने इंडिया में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें मार्क्स को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। चूँकि यहाँ पे फॉरेन में कैसे होता है तो उससे तो इंडिया या बिहार को मतलब नहीं है, ये अपना जो है कि इंडिया में एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और वही अब यहाँ पे वैलिड होंगे। तो अच्छी है यहाँ पे जो भी फॉरेन वाले डिग्रीधारी है उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट ही है, और जो भी जितने मार्क्स यहाँ पे गेन करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइनल जो आपका नियुक्ति होगी उस टाइम आपको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यही न्यूज़ था, आर्टिकल था, काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल थी। और जो भी अब वैकेंसियाँ न्यू निकल के आएंगी उसमें आपको यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। पहले 2021-20 में जो वैकेंसियाँ 21 में भी वैकेंसी निकल के आई थी उसमें आपको 50% ही आपको जितने भी परसेंटेज थे उसको 50% ही यहाँ पे आपको काउंट किया जाता था। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। आई होप कि बहुत ही बढ़िया ये आर्टिकल है। थैंक यू। न्यूज़ जैसे ही कुछ भी आर्टिकल प्रकाशित होती है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।